हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ नरगिस गुप्ता इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी सी इंस्ट्रक्शंस एंड टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस सो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस क्या है कमांड्स हैं कंपाइलर आपका एक मशीन है मशीन को ये नहीं पता कि उसको क्या करना है आपको बताना है उस मशीन को तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कंपाइलर को कुछ कमांड्स के थ्रू इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि यू नीड टू डू दर्टन टास्क ये कोई भी टास्क आपको करना है सर्टन एक्शन एक्शन आपको परफॉर्म करनी है तो इंस्ट्रक्शन का ये रोल है सी इंस्ट्रक्शन आर दी कमांड इन द प्रोग्राम दैट इंस्ट्रक्ट दस्ट्रक्ट कंपाइलर टू टू दर्टन एक्शन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सी इंस्ट्रक्शन बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सी इंस्ट्रक्शन फर्स्ट इज टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन किस टाइप की इंस्ट्रक्शन आप कंपाइलर को दे रहे हैं हमें उसको पहले ही डिक्लेयर करना पड़ता है ठीक है फर्स्ट वन टाइप डिक्लेरेशन में मतलब किस टाइप का वेरिएबल आप यूज करेंगे लाइक like हमने बोला इंट ए तो ए जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया कि जो ए वेरिएबल है उसका टाइप क्या है इंटीजर टाइप का है सेकेंड वन इज अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन मतलब जो कॉन्स्टेंट्स ऑफ वेरिएबल्स के बीच में जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे लाइक एडिशन मल्टीप्लीकेशन सबसे डिविजन मॉड्युलर ऑपरेटर ये सब आपके अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं थर्ड वन इज अ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन मतलब कंट्रोल द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस स्टेटमेंट इन अ सी प्रोग्राम लाइक इफ एल स्विच ये सब कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं सो so बेसिकली इस वीडियो में हम दो टाइप की इंस्ट्रक्शंस को कवर करेंगे फर्स्ट वन इज अ टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन सेकंड वन इज अ अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन क्योंकि कंट्रोल इंस्ट्रक्शन अपने आप में एक पूरा का पूरा चैप्टर है तो उसको हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट वन इज अ टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं हमने कि टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है देखिए टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन जैसे ही मेन को हम लिखते हैं मेन फंक्शन स्टार्ट होता है वहीं पर तुरंत ही आपको उसके नीचे टाइप डिक्लेरेशन करना पड़ता है लाइक like, आपने बोला कि मैंने यहां पर लिखा मेन और वाइड मेन और मेन की बॉडी स्टार्ट हुई तो यहीं पर आपको इंटर इंट बी या फ्लोट या केयर ये यहीं पर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा दिस इज कॉल्ड दाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन एनी वेरिएबल यूज इन अ प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूजिंग इट इन एनी स्टेटमेंट कोई भी वेरिएबल को आप किसी भी स्टेटमेंट में यूज करें सबसे पहले उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इज रिटर्न एट द बिगिनिंग ऑफ द मेन फंक्शन मेन फंक्शन के बिगिनिंग में इसको हमें लिखना होता है एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन वी हैव टू स्पेसिफाई वट टाइप्स ऑफ डेटा इट कैन होल्ड मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कंपाइलर को नहीं पता कि भाई आप इंटीजर वैल्यू रख रहे हैं आप नेम को स्टोर कराना चाह रहे हैं या फिर आप कोई फ्लोट वैल्यू के स्टोर कराना चाहते हैं तो ये आपको बताना पड़ेगा कंपाइलर को पहले से ही मतलब हमें उस पर्टिकुलर टाइप को वो जो डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं उसको पहले से आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो भी वेरिएबल है वो किस टाइप का डेटा टाइप को यूज करेगा लाइक like इंटीजर या फ्लोट या कि डबल या कैरेक्टर या एक्सेट्रा बहुत और भी टाइप्स के डेटा टाइप्स हैं लाइक like हम एक एग्जाम्पल लिखा कि फॉर एग्जाम्पल अ वेरिएबल कॉस्ट डिक्लेयर एज विल एक्सेप्ट दी स्टोर ओनली इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज मतलब हमने लिखा इंट कॉस्ट यदि मैंने लिखा है तो ये जो कॉस्ट वेरिएबल है ये सिर्फ और सिर्फ आपका इंटीजर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा इसके अलावा आप केयर लिखें फ्लोट लिखें वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इट नेवर एक्सेप्ट फ्लोट और केयर वैल्यूज एग्जाम्पल यदि हम देख लें तो इंट बेसिक ले लिया फ्लोट में अमाउंट ग्रॉस सैलरी ले लिया कैरेक्टर में नेम ले लिया कोड ले लिया वट ये क्या हो गया आपका टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन सेकेंड वन टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन के कुछ और मैंने यहां पे एग्जाम्पल लिखे हैं इनको समझिए लाइक like हमने लिखा int i equals to 15, J equals to 15. तो आपने क्या करा मेमरी क्रिएट करी इंटीजर टाइप वेरिएबल नेम एंड में स्टोर करा 15 और जे में स्टोर करा फिफ्टी इनका कोई स्पेसिफिक एड्रेस भी होगा तो ये इसका मतलब हुआ बट यदि अब हम बोलें कि इस i में इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया और i में मैं 15 की जगह 15.5 लिख दूं तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल ठीक है फिर अब वो कहानी स्टार्ट हो जाती है यहां पे कन्वर्ट करो ये करो वो करो बट यदि हम सिंपल डिक्लेरेशन की बात करें तो वहां पे i 15, j 50 आपने डिक्लेयर कर दिया और देखिए यदि फ्लोट में हमने लिखा तो एक्वल टू वन b इक्वल्स टू 1.98 पॉइंट नाइन एट प्लस टू पॉइंट टू इंटू टू पॉइंट फोर फोर ये फ्लोट में वैल्यू हो सकती है यहां पर यदि यह आप देख पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ रियल और फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज यहाँ पे है पॉइंट सेवन पॉइंट टू पॉइंट फोर फोर ये फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज है अब यहां पर कुछ रूल है लाइक like, यदि हम किसी भी इंस्ट्रक्शन का जो भी आपने डिक्लेरेशन किया है उसका ऑर्डर चेंज कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा या नहीं तो समाइम फर्क पड़ेगा और कभी कभी फर्क नहीं पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल आई ट्वेंटी जे ट्वेंटी फाइव यदि मैं जे को पहले डिक्लेयर कर दूं और आई को बाद में डिक्लेयर कर दूं सॉरी दिस इज द आई इसको बाद में डिक्लेयर कर दूं तो यहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा दिस इज अ परफेक्ट आप पहले लिख दें बाद में लिख दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कब तक जब तक कि वो जो पहली वाली वैल्यू है वो कहीं एसाइन ना हो रही है फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए आप ये हो गया आपका a इक्वल टू टू पॉइंट फाइव बी इक्वल टू ए प्लस थ्री पॉइंट फाइव ए वैल्यू को हमने यहां पर यूज करा मतलब b इक्वल टू क्या हो गया टू पॉइंट फाइव प्लस थ्री पॉइंट फाइव वैल्यू हो गई इस a को मैंने यहां पे यूज करा दिस इज अ परफेक्ट बट यदि आप b इक्वल्स टू ए प्लस 3.5 लिखें और बाद में ए को डिक्लेयर करें तो कंपाइलर क्या करेगा भाई ए की वैल्यू को सबसे पहले आपने यहां पे यूज करना है आपको और ए की वैल्यू आपने डिक्लेयर ही नहीं करी पहले ए की वैल्यू को आपने बाद में डिक्लेयर करा तो ये मैटर करेगा ये आपका ये ट्रू नहीं है तो ये आपको जब भी भी आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस uh, को लिखें मतलब जो भी डेटा टाइप्स डिक्लेयर करें कोई भी इंस्ट्रक्शन डिक्लेयर करें तो ये चीज़ आपके दिमाग में रखनी पड़ेगी आपको कि कभी भी सिक्वेंस मैटर करेगा उस केस में जब हम उस वैल्यू को कहीं पर यूज कर रहे हैं और नहीं यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आप कहीं पे भी आगे पीछे लिख सकते हैं बट जब आप इंस्ट्रक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं और वहाँ पे यदि उस वैल्यू को यूज कर रहे हैं और उसको आपने डिक्लेयर नहीं करा तो पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा फिर आप उसको यूज कर सकते हैं नाउ नेक्स्ट वन इज अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन मतलब आप लाइक ए प्लस बी ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं मतलब ऑपरेंट्स के बीच में एक ऑपरेटर को यूज करके

इक्वल्स टू ये राइट हैंड साइड में क्या हो गया कांस्टेंट हो सकता है या कांस्टेंट प्लस वेरिएबल्स हो सकते हैं फॉर एग्जांपल इस तरह से ए मल्टीप्लाई बी तो ये वेरिएबल नेम हो गया राइट हैंड साइड में ये वेरिएबल्स हो गए ये कांस्टेंट प्लस वेरिएबल हो गए तो इस तरह से ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस आपके होते हैं अब यदि आप यहाँ पर देखें तो मैंने लिखा इंट एड एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है एड इंटीजर टाइप का फ्लोट में के डी ए बी जी कर दिया एड में ट्वेंटी टू हंड्रेड वैल्यू पुट कर दी के की वैल्यू यहां रख दी और ये मैंने क्या कर दिया एक एक्सप्रेशन यहाँ पर डिफाइन कर दिया तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में यदि आप देखें तो ये मल्टीप्लीकेशन प्लस डिवाइड माइनस ये सब अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए ठीक है इक्वल इज असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इसकी वैल्यू यहां पर असाइन हो जाएगी लाइक like हमने क्या करा के में 0.066 को असाइन कर दिया सिक्स फोर ट्वेंटी ये सारे इंटीजर कांस्टेंट्स हैं 1.2 एंड 0.66 ये जो देख रहे हैं आप ये क्या हो गया आपके रियल कांस्टेंट्स हो गए एड इज अंटीजर वेरिएबल हो गया ये सारे वेरिएबल्स क्योंकि आपने फ्लोट में डिक्लेयर करे तो ये सारे आपके रियल वेरिएबल्स हो गए और द वेरिएबल एंड वेरिएूगेदर और कॉल देंट इसको क्या बोलते हैं हम नाउ इंस्ट्रक्शंस भी आपके टाइप्स के होते हैं पहला आप बोलते हो इंटीजर मोड अर्थमेटिक रियल मोड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन एंड थर्ड वन इज अ मिक्स मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन मतलब उसमें इंटीजर भी हो सकता है रियल वैल्यूज भी हो सकती है इंटीजर मोड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन मतलब जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हो जो आपने डिक्लेयर करें मतलब हर एक जगह इंटीजर ही यूज हुआ हो फॉर एग्जाम्पल यदि अपन यहाँ पे देखें i k z n ये इंटीजर टाइप वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर दिए i इक्वल्स टू आई प्लस वन इसको i की वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट किया k इक्वल टू जेड इन टू टू वन थ्री प्लस एन माइनस सेवन फोर एट फोर ये सारे के सारे यदि आप देखें तो ये कांस्टेंट है ये भी इंटीजर टाइप के हैं ये अर्थमेटिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें आपने यदि यहाँ पे देख रहे हो तो इंटीजर टाइप का ही सब कुछ यहाँ पे लगाया हुआ तो ये इंटीजर मोड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन हो गए रियल मोड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहां पर आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज वे, होंगी सिर्फ लाइक ट्वेल्व पॉइंट वन टू थ्री फाइव पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट वन टू फोर हंड्रेड पॉइंट जीरो सब क्या हो गया आपके रियल मोड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन हो गए उसके बाद में यदि आप देखें मिक्स मोड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन मतलब जहां पे रियल भी हो सकते हैं और इंटीजर भी हो सकते हैं यहाँ पे देखो आपने फ्लोट भी डिक्लेयर किया हमने और इंट में ए बी सी और नम भी डिक्लेयर किया और ये आपका ऐसा ही फॉर्मूला है पी इंटू जेड इंटू आर डिवाइडेड बाई हंड्रेड पॉइंट जीरो एवरेज यदि मैं निकालूं तो ए प्लस बी प्लस नम डिवाइडेड बाई फोर तो ये सब क्या हो गए आपके यहां तो आपने P Z R ये जो है फ्लोड इसको यूज कर लिया यहां पे जब एवरेज निकाला तो ए बी सी प्लस नम डिवाइडेड बाई फोर कर दिया ये इंटीजर टाइप में ले लिया ठीक है so, सो ये सब क्या हो गए आपके ये सारे यदि आप देखें तो ये मिक्स मोड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हो गए सो so, इस वीडियो में हमने जो अभी तक कवर किया वो ये कवर किया कि इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं इंस्ट्रक्शंस के थ्री टाइप्स हैं टाइप डिक्लेरेशन अर्थमेटिक और एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस टाइप डिक्लेरेशन मतलब आपको पहले ही डिक्लेयर करना पड़ेगा मेन फंक्शंस के बिगनिंग पे ही करना पड़ेगा आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं 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 जिस जिस टाइप 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 का का आप वेरिएबल यूज यूज कर कर रहे कर रहे डेटा डिक्लेरेशन करने के तरीके हैं यदि कोई वैल्यूज यूज uh, नहीं हो रही तो आप उसे आगे पीछे किधर भी डिक्लेयर कर सकते हैं बट यदि कोई वैल्यू आप यूज कर रहे हो तो उसको पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा देन उसको यूज करना पड़ेगा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस मतलब जहां पर आपके ऑपरेटर और आपके कॉन्स्टेंट्स और ऑपरेटर हो तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन कहलाते हैं आपके जहां पे आप एक्सप्रेशंस लिखते हैं या फिर कोई भी एक एक्वल्स टू बी प्लस सी कैल्कुलेशंस टाइप की चीज़ें करते हैं तो ये सब अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस तीन तरह के होते हैं आपके इंटीज़र मोड रियल मोड मिक्स मोड इंटीज़र मोड मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस आप डिक्लेयर कर रहे हैं जो भी यूज़ कर रहे हैं आप फॉर्मूले में वो सिर्फ और सिर्फ इंटीज़र वैल्यूज़ को आप यूज़ कर रहे हैं फ्लोट में फ्लोट वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं मिक्स मतलब जिसमें आप इंटीज़र भी यूज़ कर सकते हैं मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं थैंक यू सो मच इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दी एन अदर प्रोग्राम वन प्रोग्राम बेस्ड ऑन आ सी इंस्ट्रक्शंस सी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस ये सारे के सारे नोट्स मेरी वेबसाइट नरगिस गुप्ता डॉट कॉम पर आपको मिल जाएंगे आप इस पी डी एफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू सो मच